केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा को मिली प्रशासनिक अनुमति के विरोध में जहां कांग्रेस मौन पदयात्रा निकाल रही है, तो वहीं अब बीजेपी ने इसे कांग्रेस का कंफ्यूजन करार दिया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल और बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर आमने सामने हो गए। देखिए ये बयानबाजी। देखो, हम शेयर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में पूरे हम सब मिलकर 5 नंबर विधानसभा के आम कार्यकर्ता, आम साथीगण और हमारे प्रभारी 5 नंबर विधानसभा के रघु परमार जी और शहर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम आंदोलन करने जा रहे हैं और वो हमारा हम सब मिलकर स्टेडियम में इकट्ठे होंगे और वहाँ से हम सीधे राजबाड़ा पहुँचेंगे और राजबाड़ा से हम मौन जुलूस के रूप में कलेक्टर कार्यालय जिला प्रशासन में। हमारा मूल मकसद ये है कि जिला प्रशासन दो तरह का व्यवहार कर रहा है। एक तरफ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ झूठे मुकदमे लादे जा रहा, कोरोना काल की पहली लहर रही, दूसरी है या तीसरी भगवान के भरोसे, उसमें जिला प्रशासन और सरकार फेल रही पूर्ण रूप से। तो अभी हम परमिशन मांग रहे हैं, कहीं भाई गणेश उत्सव आ रहा है, जैन समाज के प्रवचन आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, गोगा नवमी आ रही है और ईद भी आ रही है, वो तमाम धार्मिक कार्यक्रम अब आना है, हम उसको लेकर जिला प्रशासन से आवेदन निवेदन करेंगे कोई हमको परमिशन दी जाए और हमारे लोग धर्म की कार्यक्रम कर सकें, क्योंकि इसी को लेकर हम जिला प्रशासन को, सोए हुए प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि प्रशासन जो है, जिलाधीश महोदय जो है, वो हिटलर के रूप में काम कर, भाई प्रजातंत्र में प्रशासन की जिम्मेदारी नैतिक होती है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, एक समान उनको परमिशन दी जाए। एक तरफ राजनीतिक रैलियां हो रही जहाँ अनशन भीड़ हो रही, उन पर मुकदमे नहीं लग रहे, एक छोटा सा कोई प्रदर्शन हो रहा है, हमारे चाहे शहर अध्यक्ष जी हो, विनय वागड़ीवाल जी हो, रघु परमार जी हो और अन्य हमारे नेता हो, शेख अलीम हो, इकबाल भाई हो, सभी हो, तो हमारे पर मुकदमे 10-10, 20-20 लड़े यार, तो ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों, उसको लेकर हम निवेदन करने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस बहुत भ्रमित है। कांग्रेस के लोग अभी अपने आप को खुद, चाहे वो जिले के नेता हो चाहे राष्ट्रीय स्तर के नेता हो, जिस प्रकार से उनके राष्ट्र नेता राहुल गांधी जी हमेशा भ्रमित रहते हैं, वैसे कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बड़ा कन्फ्यूज और भ्रमित रहता है। उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। पहली बार हमने देखा कि इस देश में एक ऐसा मंत्रिमंडल बना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटे छोटे समाज और हर वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम किया। एक लघु भारत का एक वो हमको दृश्य देखने को मिला है। और जब ऐसे मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे जो बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के हमारे बंधु जिनको 10-10, 12-12 मंत्री को इस मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, 11 बहनों को मंत्रिमंडल केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिलता है, और जब सदन में उनका परिचय किया जाता है तो कांग्रेस के लोग उस बात का विरोध करते हैं, उनका परिचय नहीं होने देते हैं। उनके मन की पीड़ा ये थी कि अभी तक तो बड़े औद्योगिक घरानों से और बड़े परिवारों से मंत्रिमंडल बनते थे और पोर्टफोलियो बांटे जाते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि समाज के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे लोगों को सम्मान मिला, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग उस बात को पहचान नहीं पाए, सदन में उनका परिचय नहीं होने दिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि समाज के बीच में हम जाकर उन अपनी बात रखेंगे और उन मंत्रियों का परिचय करवाएंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे। तो निश्चित रूप से जो पूरे प्रदेश में अभी हमारे ऐसे मंत्री हमारे जिनको अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में स्थान दिया है, वो लोगों के बीच में गए भी, उन्होंने अपनी बात भी रखी और लोगों ने खूब दिल खोल के उनको अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया। इन सब बात से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जैसा मैंने कहा कि कन्फ्यूज भी हैं और कांग्रेस के लोगों को इस बात की पीड़ा भी है कि जो लोगों के बीच में एक विश्वास और आशीर्वाद जो जनता का भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सुगुपे और इस प्रकार के प्रयास करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसको ना तो जनता कभी गंभीरता से लेती है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश की जनता, देश की जनता है और हमारे काम को लोगों की सराहना मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच में जो विश्वास की डोर है, वो हमारी सरकार उस बात को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को पूर्ण करने में लगी हुई है।